हेलो, आज हम लोग बात करने वाले हैं टेचिस्टोस्कोप के बारे में। टेचिस्टोस्कोप जो कुछ इस तरीके का दिखता है। टेचिस्टोस्कोप साइकोलॉजी के लैब्स में यूज़ होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो कि अक्सर मेमोरी के एक्सपेरिमेंट और अटेंशन से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। मेमोरी के एक्सपेरिमेंट्स में हम मेमोरी ड्रम का भी यूज़ करते हैं, बट कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हम टेचिस्टोस्कोप को भी यूज़ करते हैं। टेचिस्टोस्कोप जो है, अगर इसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएँ तो A.W. वॉकमैन ने 1859 में इसको दिया है, ऐसा माना जाता है उन्होंने इसको बनाया था और यूज़ किया था। फिर देन इसमें कुछ चेंजेस हुए उनके बनाए हुए मॉडल में, और आज जो हम मॉडल यूज़ करते हैं उसमें बेसिकली ये एक नॉन इलेक्ट्रिकल मॉडल है टेचिस्टोस्कोप का। उसके साथ में आज के टाइम में कई सारे इलेक्ट्रिकल मॉडल्स भी आ गए हैं, जिसमें और बेहतर तरीके से रिजल्ट्स हम देखते हैं, इजी तरीके से उसको हम यूज़ कर पाते हैं। ये जो मॉडल है ये नॉन इलेक्ट्रिकल मॉडल है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि एक वुडन बोर्ड है। ये वुडन बोर्ड लगा हुआ है। इस वुडन बोर्ड में बीच में एक विंडो आपको दिख रही है, जो कि आपको अभी सिल्वर पेडल से बंद दिख रही है। इसके बाद हम इसके बैक साइड में अगर देखते हैं, तो इसके बैक साइड में आप देख रहे हैं कि जो विंडो है, इसका बैक है, जो यहाँ पे शटर है एक, ठीक है। तो ये शटर जो होता है, इस शटर को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, और यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर की हेल्प से हम इस शटर को क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस शटर को हम क्लोज करके रखते हैं, और यहाँ पे आप जो एक विंडो का बैक साइड देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से एक नॉब होता है, जिसको हम खींच सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो इस नॉब को खींच कर यहाँ पे क्या किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे पोर्शन होता है, जब आप इसको खींचते हैं तो यहाँ पे स्पेस बन जाता है। तो इस स्पेस में हम कार्ड लगाते हैं। अभी देखिएगा, मैं यहाँ पे हमारे पास कार्ड की लिस्ट, जो कार्ड्स हैं उसका एक पूरी लिस्ट आती है। मतलब इसमें बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, जिसमें मीनिंगफुल एंड नॉन मीनिंगफुल दोनों तरीके के वर्ड्स लिखे होते हैं। और ये स्टार्ट होते हैं 2 लेटर से, 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर, 5, 6 तरीके से ये बढ़ते हैं। अब इस कार्ड को लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो ये नॉब है, उसको हम खींचते हैं, और जो रिटन साइड होती है उसको यहाँ पे ग्लास होता है, ठीक है। तो ग्लास की तरफ हम इस कार्ड को इस तरीके से सेट कर देते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो ये टाइट हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कार्ड जो है फिट हो चुका है उस ग्लास पे। अब आगे से तो ये शटर क्लोज है, विंडो विंडो यहाँ पे अभी आपकी क्लोज है। पीछे से जो शटर है वो भी नीचे गिरा हुआ है, लेकिन तो हमें जब हम इस शटर को ओपन पीछे लेकर जाते हैं, तो ये विंडो एक बार ओपन होगी। तो जब भी सब्जेक्ट के सामने इस चीज़ को किया जाता है, तो उसको यहाँ पे कवर अप किया जाता है। इस शटर को ओपन करेंगे और लीवर से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, देन जब भी हम इस शटर को यहाँ से लीवर की हेल्प से हम ओपन करेंगे, तो ये साइड से जो विंडो है ये मिली सेकेंड्स के लिए ओपन होगी और वो कार्ड हमें विजिबल होगा, ठीक है। ये देखिए, एक बार फिर से करती हूँ। तो मैंने क्या किया, ये शटर ऐसे क्लोज था, इस नॉब को, इस लीवर को मैंने यूं किया तो ये नीचे गिर गया, और अ पार्ट ऑफ सेकेंड यानी कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये विंडो थोड़ी देर के लिए ओपन हुई थी, और यहाँ पे जो लेटर थे, जो वर्ड थे, वो यहाँ पे हमें दिखाई दिया। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बैठा होता है, जहाँ से मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं, उसके आई लेवल पे ये बोर्ड उसे दिख रहा होगा। और इस तरीके से उससे जब यहाँ से जो लीवर है उसको दबा के हटाया जाएगा, तो ये शटर गिरेगा और उसको ये वर्ड्स कुछ मिली सेकेंड्स के लिए दिखेगा और उसको ये बताना होगा। तो स्पैन ऑफ अटेंशन के प्रैक्टिकल्स में और इमीडिएट मेमोरी वगैरह के प्रैक्टिकल्स में इस तरीके से कार्ड्स में लेटर को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और उनको दिखाया जाता है, और इस तरीके से स्पैन ऑफ अटेंशन को मेजर किया जाता है टेचिस्टोस्कोप के ज़रिए। तो टेचिस्टोस्कोप इस तरीके से यूज़ होता है। देन अगेन हम कार्ड को निकालने के लिए इस नॉब को आगे को खिलेंगे और इस कार्ड को निकाल कर हम आपका जो बॉक्स है उसमें रख देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ये इस तरीके से लेटर्स यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें कुछ नॉनसेंस वर्ड्स भी होते हैं,
ठीक है, आगे जाके तो उस तरीके से कार्ड्स बने होते हैं। आप चाहें तो अपने कार्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, परसेप्चुअल डिफेंस का जो प्रैक्टिकल है उसमें भी इसको यूज़ करते हैं टेचिस्टोस्कोप को। तो वहाँ पे कुछ कार्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं जिसमें वर्ड्स होते हैं, टैबू वर्ड्स एंड जो आपके न्यूट्रल वर्ड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पर भी ये कार्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरीके से टेचिस्टोस्कोप जो है उसका यूज़ किया जाता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि टेचिस्टोस्कोप कैसे यूज़ होता है साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स पे। थैंक यू।